यूपी टेट की परीक्षा रविवार को आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर के लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार आरोपी 26 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है, परंतु इन सभी के कारण बच्चों में निराशा देखी जा रही है। इसी कारण अब परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि परीक्षा 26 दिसंबर को दोबारा आयोजित करवाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में लगभग 13 लाख बच्चों द्वारा आवेदन दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस पेपर को मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक किया गया था। दरअसल बता दें कि कल ही सीएम योगी द्वारा आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही के आदेश दे दिए गए थे। यहां तक कि सीएम योगी द्वारा कहा गया था कि आरोपियों की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी के चलते आज यानी सोमवार को पुलिस द्वारा 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ परीक्षाओं की नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।